खिदिरपुर के बाबू बाजार इलाके के मैला डिब्बू में लोगों के दरमियान चावल, दाल, आटा, आलू, प्याज और मास्क बांटे गए। असगर अली की क्यादत में ये सारा काम अंजाम दिया गया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा अखिलेश सिंह भी मौजूद थे। वाजह रहे कि कोरोना वायरस के सबब लोगों की हालत ख़राब हो गई है, खाने खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में असगर अली जैसा शख्स बाहर आकर लोगों की मदद करने का ठाना है। यहाँ एक शख्स को इतना सामान दिया गया ताकि वो 4 दिनों तक खा सके। असगर अली का ये भी कहना है कि आइंदा भी इस तरह का काम किया जाएगा। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर मौजूद असगर अली, अखिलेश सिंह और प्रियंका मंडल ने आज हम लोग कम से कम 200 आदमी का इंतजाम किया देने का, फिर एक हफ्ता बाद फिर 200-300 आदमी। देखिए अभी जब तक चल रहा, कोशिश करेंगे कि जब तक आज कोरोना वायरस से हमारा जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता तब तक हम लोग ये कोशिश करेंगे घर के हर इंसान के घर पे अनाज पहुँचे। जो इंसान मजबूर है, जो इंसान अपने आप में कुछ ऐसा नहीं हो रहा, दे नहीं सक रहा, माने जो इंसान घर पहुँच जाए, गरीब के घर में पहुँचे, जो रिक्शा वाला, ठेला वाला, उसके घर में खाना बना के हम लोग कुछ घर पहुँचाने का, जो आदमी जो घर का एक अच्छा सदस्य माने डेली खाने कमाने वाला, उसके घर में अगर कुछ पैसा पहुँच जाए या खाना पहुँच जाए जो उसको तकलीफ दूर हो जाए। देखिए हम खाना दे सकते हैं उसके घर में, अगर हम हर कुछ पूरा मर उनको भी कोशिश करके वो सामने आए, सामने जब आएंगे तो मेरा दिल बड़ा हुआ उनको देने में, उनको भी दिल बड़ा हुआ लेने में। शरमाने से आज के दौर में कोई भी नहीं शरमाए, जो भी जिसके पास जाके अपना मदद मांग सकता है। असगर भाई, खाने का साथ साथ अगर कोई बीमारी घिरा जिसके दवा का जरूरत है और नहीं मिल सकता, कोशिश करिए आप लोग क्या करते हैं? कोशिश करेंगे, दवा का भी इंतजाम है, दवा के लिए अगर जो मेरे हमारे बस में होगा वो कर सकते हैं। अगर हमारे 2 एम्बुलेंस है, अगर कोई ऐसा आदमी बीमार पड़ गया वो एम्बुलेंस लेके हम लोग आप जहाँ उनको जाने का वो हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह ये बीमारी उनको जिसको बुखार हो गया, खांसी या सर्दी है, वो बहुत आदमी डॉक्टर के पास डर से नहीं आ रहे, नहीं जाइए डॉक्टर के पास, जाइए डॉक्टर को अपना इलाज देगा, डॉक्टर के पास जाइएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा। डर इंसान का जिंदगी मौत देता है, इंसान डरिए मत। बीमारी है, बीमारी का अगर सामना कीजिएगा तो बीमारी खुद ब खुद दूर हो जाएगा। लॉकडाउन के मद्देनजर देखते हुए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लॉकडाउन के मद्देनजर आप लोग घर पे रहें और जितने भी अपने बाल बच्चों को साफ सुथरा रखें और घर में जो भी सदस्य आए उसको सैनिटाइजर से हाथ धुलाएं, पैर में जिसके पास सैनिटाइजर नहीं है आप साबुन से हाथ धुलाएं, साफ सुथरा करके अपने घर में बुलाएं और बुला के जो भी उनको करना है घर में बुला के रखें, या घर का सदस्य हमें या मेरा बाल बच्चा हो, पहले जाएं घर पे कपड़ा अपने बाथरूम में उतार दें, कपड़ा घर के अंदर ही पहन के नहीं, इसलिए कि बीमारी कपड़ा से भी हो सकता है। इंसान का जिस्म में एक जिस्म का जिस्म में हो जाए मगर सांस से नहीं है, जब तक इंसान को टच नहीं करेगा तब तक ये बीमारी नहीं है। मगर फिर भी हमारा बंगाल बहुत ही सेफ है, अभी तक 15-20 आदमी का शायद इसमें, ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान में 100 कितना आदमी हो गया है मगर 15-20 आदमी का हमारे बंगाल में पाया गया अभी तक, माने सबको नेगेटिव पॉजिटिव कोई हुआ नहीं। मगर हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो और आदमी अपने से दूरी रखे, जिस तरह दीदी निर्देश दे रही आपको उसी तरह सब इंसान अपने अपने घरों पे अपने अपने बाल बच्चों को अपने पुलिस जो आज किसके लिए दौड़ा, हम लोग के लिए, उनका भी बाल बच्चा उनका भी सब, वो फिर भी वो दौड़े किस लिए, हम लोग के लिए। सेंटर पुलिस जितने भी हम लोग नहीं चाहेंगे कि सेंटर से कोई पुलिस आए, दिल्ली से आए तो कि हम लोग को परेशानी बढ़ जाए, जो हम लोग बांट पा रहे वो भी नहीं बांट पाएंगे ना वो इंसान से मिल पाएंगे। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अपने घर पे रहें, जिसके मजबूरी है एक आदमी आए अपना मजबूरी किसी को बोले वो आपके घर पे पहुंचा देगा, क्योंकि आपको अगर अकेला हम बोले 100 आदमी भीड़ रहा ना आपको मदद कर पाएंगे ना उनको कर पाएंगे, तो ऐसा मदद करना भी नहीं करना पड़ेगा। आदमी अकेला है किसी के पास मजबूरी है जाए उसके घर में पहुंचा दे, तो उसको भी नहीं पता चले हमको कुछ देख लिया। तो हम चाहेंगे जो रास्ता में खेल रहे अपने बाल बच्चों को बोले घर के अंदर रहें और रास्ता में ना खेलें, अगर रास्ता में निकलना भी है मास्क लगा के मुँह में अपना हैंड ग्लव लगा के बाजार जाएं, बाजार में कुछ सामान भी लें तो दूरी रखें, क्योंकि बाजार में आदमी बगल बगल सबके ले मत लें, कोई सामान ले, तेल ले, दाल ले, मसाला, कुछ दूरी पे लें कि इंसान इंसान के बगल में इंसान का जिस्म से इंसान का बीमारी फैल रहा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इंसान दूरी बख से। इसी के साथ बोल गया, नमस्कार। आपका नाम बता दीजिए। असगर हुसैन। थोड़ा वार्ड नंबर बताइए। सर हमारा वार्ड नंबर 78 है मगर हम 79 से ही इम्प्रूव करते हैं, 79 में सब कारोबार, इसलिए 79 से ही हम लोग ये वार्ड रहे, और मेरा बॉस का कारोबार भी 79 वार्ड से था, इसलिए सब कुछ उनके नाम से ही कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि उनका नाम ऊपर वाला सब प्रार्थना करें उनको कि ऊपर वाला उनका परिवार आज सुख रखे, शांति रखे, अच्छा रखे।
ये यहाँ जो दिया जा रहा है, यहाँ गरीबी मतलब इतना है, हद से ज्यादा गरीबी है। और यहाँ ऐसा है कि आ रहा है मगर यहाँ मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर फोनिक्स के हमारे अजगर भाई है, जो वो हम लोगों को बोला गया है, जो गरीब से गरीब है, जिसके पास नहीं है उसको मतलब आप लोग देखिए वहाँ पर आप बनाइए उस गरीबी को लेकर के। हम लेके आ रहे हैं, इतना राशन है, हम आप बोलते जाएंगे देते जाएंगे। कैसा लग रहा है अभी देखिए, ये जो हमारे अजगर भाई है ये गरीब को देखते हैं जी जी। तो बस इनका जो सहयोग मिल रहा है बस यही अभी गरीबों के लिए भगवान है। मेरा नाम है प्रियंका मंडल, कोलबर्थ से है, महिला समिति। और ऐसा नहीं लगता है कि बहुत छोटा काम हो रहा है और बड़े पैमाने पे इसकी जरूरत है? देखिए हमारी यह कोशिश एक छोटी सी कोशिश है, इस समय दुनिया में जहां प्रलय आया हुआ है, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। हम लोग ने 365 दिन और आजीवन काम करते रहे हैं, लेकिन जब अभी संकट के समय है तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी दीदी, हमारे मेयर साहब अबीदा, हर समय अवेयरनेस के लिए बोला जा रहा है कि लोगों को की दूरी बरत के काम करने के लिए। हमारे दीदी ने खुद आप देख रहे हैं, ममता दीदी ने रोड में उतर के जिस तरह से स्तर में अपने आप को बचाते हुए और जनता को और अपने आवाम को किस तरह से उन्होंने देखा है काम करें, तो हम लोग को भी लगा कि नहीं, हम लोग को भी घर में नहीं बैठना चाहिए। और जो लोग, ये आप जानते हैं 79 नंबर वार्ड है, और 79 नंबर वार्ड में एक कोल बर्थ जगह है जहाँ पे बस्ती है, यह इलाका ट्रांसपोर्ट इलाका है, यहाँ मजदूर है। आप देख सक रहे हैं कितनी गरीबी है, यहाँ पे रोज कमाना है, रोज खाना है। सरकार की जो सुविधा है वो घर घर तक पहुँचाने की जो सुविधा है वो तो पहुँचेगी ही, लेकिन इमीडिएट जो इन्हें जो जरूरत था उसको हम लोग ने पूरा करने का कोशिश किया है। यह पूरा काम हम लोग ने कोशिश किया और सभी लोगों से यह कोशिश कर रहे हैं, हम लोग यह मैसेज देना चाहते हैं कि आप जिस मोहल्ला में हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा भी स्वार्थ है, अगर अपना आप कुछ करने चाह रहे हैं समाज के लिए, अपने मोहल्ला के लिए, हमारी उतनी ताकत नहीं है कि हम पूरी दुनिया को या पूरे देश को या पूरे राज्य को कर सकते हैं, लेकिन एक मोहल्ला को, आप लोग से विनती है, जो लोग भी घर में बैठे हुए हैं उनसे विनती है कि आप अपने मोहल्ला को, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं उस बिल्डिंग में कोई खाली पेट ना सोए, उसके लिए आप लोग उतरिए, अपने मोहल्ला के लिए उतरिए। एक छोटा छोटा अगर इसको अगर टुकड़ा में अगर हम लोग इस हिस्सा को और काम को अगर बांट ले, तो मैं दावे के संग कह सकता हूँ कि कोई भी हमारे भारतवर्ष में कोई भूखा नहीं रहेगा। हम लोग ने जो छोटा सा बेट है, जो हमारी ताकत है, उसके अनुसार हम लोग काम किए हैं। हमारा अबीदा हर समय इसी इलाके के लिए हर समय चिंतित रहते हैं, और हर समय कल भी हमसे बात हुआ कि दादा हम लोग का यह काम हम लोग कर रहे हैं। दादा बोले, अबीदा से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि सरकार का जो चीज़ है वो अपडेट जो सिस्टम है, राशन पानी जो भी है वो पहुँचेगा, सब जगह काम हो रहा है और यहाँ भी काम होगा। कल में हम लोग ने एक छोटी सी काम करने, नाम बोल दिया अखिलेश सिंह, 79 नंबर वार्ड की मूली कांग्रेस।